राफेल काले कानून सीएए पारदर्शी राफेल डील हो या नागरिकता संशोधन कानून, फिर किसानों को मिलने वाली एमएसपी हो या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना, चमचा गैंग और बिकाऊ मीडिया के साथ गांधी परिवार ने सत्ता के लिए देश को गुमराह करने की बार बार साजिश रची। इसे समझने के लिए वीडियो अंत तक देखना मत भूलिए। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के समय देश विरोधी कांग्रेस ने जमकर संसद में बवाल काटा था। अफवाहें फैलाई गई थी कि अब अल्पसंख्यकों को देश से निकाला जाएगा, जिससे फिर दिल्ली में शाहीन बाग और हिंसक दंगों को हवा मिली थी। लेकिन तारीख गवाह है कि अभी तक एक भी अल्पसंख्यक को देश से नहीं निकाला गया। नए किसान कानूनों के भी लागू होने पर कांग्रेसियों ने गला फाड़ फाड़ कर एमएसपी को लेकर अफवाहें फैलाई, जबकि सच ये था कि किसानों को न केवल एमएसपी मिल रही है बल्कि उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। लेकिन फिर भी ये धूर्त कांग्रेसी नए कानूनों को काला बता रहे हैं, जबकि कभी खुद इन कानूनों की वकालत किया करते थे। अब बात करते हैं एनएमपी मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की। खान मार्केट वाले बिकाऊ मीडिया गैंग के साथ गांधी परिवार ने इस पर हल्ला काटना शुरू कर दिया और अफवाहें फैलाई जाने लगी कि सरकार सब बेचने जा रही है। घटिया राजनीति के चक्कर में राहुल गांधी इतना बावला हो गया कि जिस ट्विटर से उसने झगड़ा किया हुआ था उसे भी भुलाकर ट्वीट ट्वीट खेलने लगा। इस झूठ की सच्चाई ये है कि देश में विकास और रोजगार के लिए काफी पैसों की जरूरत है, जिसको पूरा करने के लिए सरकार की ओर से हाईवे, रेलवे, संचार जैसे सरकारी संस्थानों का कुछ भाग किराए यानी लीज पर दिए जाने की योजना है। इसे खुद देश के नीति आयोग और वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है, जिस पर हमेशा भारत सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। इससे 6,00,000 करोड़ रुपए आ सकता है और देश के विकास की स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। तो देखा आपने कि जिस कदम से आपके घर में रोजगार बढ़ सकता है, आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सकती हैं, ये सब राहुल गांधी और उनकी ठग कंपनी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। इसीलिए ऐसे मक्कारों को दूर भगाइए और कांग्रेस को उसकी असली औकात दिखाइए। अंत में वीडियो शेयर करना मत भूलिए।